नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन राजवाड़े। चलिए फ्रेंड, देखते हैं कल के लिए मैंने बेस्ट 5 स्टॉक सेलेक्ट किए इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, प्राइस पैटर्न समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे सामने है दोस्तों एक्सिस बैंक। लास्ट डे भी मीन्स फ्राइडे के दिन मैंने इसे ट्रेड दिया था, लेकिन रिवर्स हो गया। ओके, तो 1-1.5 रुपये हमारा लॉस हो गया इसमें। लेकिन जो प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, प्राइस एक्शन पैटर्न बना है तो ये फ्लैट पैटर्न है और एक कंटिन्यूएशन है। ओके, अभी इसे इधर आना है, तो 820 से लेके 815 की तरफ इस स्टॉक को आना है, तो इस लेवल से रिकवरी देगा। ओके, तो मुझे लग रहा है कि इसमें एक बढ़िया ट्रेड आपको मिल जाएगा कल के दिन पे। कल के दिन पे इस स्टॉक में शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा, चाहे ऊपर से शॉर्ट हो या फिर नीचे से शॉर्ट हो। अगर आप इसका चैनल देखें राइट, तो इस चैनल में फंसा हुआ है, इसी रेंज में नीचे से बाइंग हो जाता है, हायर लेवल में सेल हो जाता है। तो कल आप इस स्टॉक को नजर रखिए टॉप के रेंज में। पहले आप इसे नीचे से ऊपर जाने दीजिए, इसमें हम बाइंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये स्टॉक अपर साइड में 866 से 868 के बीच में कोई बेरिश कैंडल मिलता है यहाँ पर, ठीक है, या जैसे मान लो एक ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर जा रहा है, राइट, एक ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर जा रहा है, इनसाइड कैंडल बन के नीचे जाता है 5 मिनट के चार्ट में या 15 मिनट के किसी भी चार्ट में, टॉप से शॉर्ट करिए, इस लेवल से शॉर्ट करिए। और मैक्सिमम 2-3 रुपए ज्यादा कैसे रखना नहीं पड़ेगा, और ट्रेड कम से कम आपको 10 रुपए का बनेगा लोअर साइड में। अगेन, तो ट्रेड बहुत अच्छा हो सकता है, नजर रखिए। और जैसे लास्ट डे मैंने यहाँ पर आप लोगों को इसका एक पुट बाइंग करने के लिए दिया था 860 का समथिंग। ओके, तो आप लोग सेम पुट को यहाँ से बाइंग कर सकते हैं और इसमें आपको ट्रेड बढ़िया मिल जाएगा। तो छोटा रिस्क के साथ एक बड़ा ट्रेड आपको एक्सिस बैंक में टॉप से मिल जाएगा, राइट। और लोअर साइड का टारगेट 858, 856 के आसपास का रखिए। जब तक इस चैनल में है इसी तरीके से ट्रेड होगा, लेकिन बाइंग अवॉइड करेंगे, टॉप से शॉर्ट करेंगे। दूसरा, मान लीजिए कि इसी भाव से नीचे चले जाता है, तो अगेन आप इस बिलो सेल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी छोटा कर दीजिए। तो 855 के बिलो जाता है, शॉर्ट करिए। 845 से लेके 840 का टारगेट रखिए। लोअर साइड में भी ट्रेड आपको अच्छा दे देगा, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। तो इसके नीचे सेल करें और 860 का आप एसएल रखिए। बेस्ट ट्रेड यहां से होगा, ठीक है, नजर रखिएगा। कल के दिन पे एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, ये है बजाज ऑटो। इस पैटर्न को समझिए, जैसे अभी मैं एक्सिस बैंक में आपको बता रहा था कि अगर ये चैनल में है तो ये अपर साइड का ट्रेड नहीं है, इसमें नीचे ही जाना है। ओके, तो अभी ये इधर फिर से 35 मिनट की तरफ आने वाला है। जब यहां से रिवर्स करेगा तो फिर ये बढ़िया बाउंस करेगा, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ अक्सर कि जो फर्स्ट टाइम नीचे जा रहा है, फर्स्ट पुल बैक में बाई मत करिए, ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो कल ये स्टॉक आपको ट्रेड दे सकता है, लेकिन थोड़ा ऊपर से हम शॉर्ट करना प्रीफर करेंगे, ठीक है। नीचे से शॉर्ट प्रीफर नहीं करेंगे, हो सकता है यहीं से नीचे चले जाए, यहां से नीचे जाएगा तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड नहीं जैसेगा, ठीक है। जैसे इसके बिलो सेल होगा, 3620 के बिलो सेल होगा, 3600 तक आ जाएगा, राउंड फिगर लेवल है, सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद फिर नीचे थोड़ा जाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसे 20 पॉइंट कैसे रखना पड़ेगा अगर यहाँ से शॉर्ट करते हैं, तो मुझे लगता है ये रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये हमें अपर साइड मिलता है इस भाव के आसपास, तब तो सोने पे सुहागा है। 3680 के आसपास ये बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है आपको टॉप के लेवल पे। तो 3680 के आसपास अगर मिलता है, यहाँ पर कोई बेरिश कैंडल मिलता है, शॉर्ट करेंगे, और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस 10-12 पॉइंट से ज्यादा का हमारा नहीं होगा, और डाउन साइड में टारगेट आपका बढ़िया 30-40 पॉइंट का हो सकता है। तो नजर रखिए बजाज ऑटो को, थोड़ा ऊपर मिले तो ऊपर से शॉर्ट करेंगे, ट्रेड हमारे लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, ये है चोलामंडलम फिनेंस। अगर आप देखें तो 200 EMA का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बढ़िया हैमर कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया है, एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आ जाएगा, और अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ जाता है तो आपको 10-12 पॉइंट का इंट्राडे में ट्रेड दे देगा। ओके, 5 मिनट के चार्ट में चलिए, तो देख रहे हैं कि लोअर लेवल से बहुत बढ़िया रिकवरी इसमें आया हुआ है, और मॉर्निंग से बहुत खूबसूरत रिकवरी है इसमें। ओके, तो बॉटम से देखें 684 से रिकवरी दिया है 715-16 तक, राइट। और इसका जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो यहां तक होना चाहिए, मिनिमम इसका जो मूवमेंट है वो इधर तक होना चाहिए, मतलब 725 तक। 725 तक का इसका रैली कंटिन्यू में हो सकता है। तो कल अगर आपको ये इस भाव के आसपास ट्रेड दे देता है तो बहुत अच्छा लेवल होगा। तो 710 का भाव याद रखिए, 710 के आसपास अगर ये मिलता है तो आपका टारगेट बनना चाहिए 724, 725 का। और अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते हैं तो इसी 200 EMA के नीचे का स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा। तो 705 का स्टॉप लॉस डाल के इसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। ओके, और मुझे लग रहा है कि आपको इसमें 1:2 का टारगेट इजिली मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, ये है गोदरेज सीपी। इसे भी नजर रखिए, मुझे लग रहा है कि एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा आपको कल के दिन पे। और देखिए तो यहाँ काफी दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, अब ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करेगा, राइट। ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट कर जाएगा, और ब्रेकआउट करेगा तो इधर का टारगेट आपको 960 की तरफ का फ्यूचर में देखने को मिलेगा। तो कल इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे, ध्यान रखिए, ये स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट करेगा, ट्रेड ले सकते हैं इसे इंट्राडे में, राइट, लेकिन थोड़ा नीचे खुलना चाहिए। ओके, और अगर आप ब्रेकआउट देखें तो इस भाव के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, तो इसी भाव का सपोर्ट ले लेगा। तो मतलब इसमें स्टॉप लॉस 836 का रख के
हम लोग इसे बाइंग करेंगे 843 के ऊपर, और हमारा पहला टारगेट इधर का होना चाहिए, ठीक है। तो 852 का टारगेट हमारा हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें एक अच्छा ट्रेड बन जाएगा अपर साइड में, अगर ब्रेकआउट करेगा आप इसे बाइंग करके जा सकते हैं। हालांकि 1:1 का ही टारगेट मिलेगा, ओके, बट चूंकि स्विंग हाई है, अगर ये ब्रेकआउट हो जाएगा इसके ऊपर तो एक कंटिन्यू में भी ट्रेड और आपको दे देगा हायर साइड में, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि अपर साइड निकल जाएगा तो शायद 860 की तरफ भी चला जाए, ओके, क्योंकि स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो अच्छा ट्रेड बन जाएगा। तो अपर साइड में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं, इसलिए ट्रेड आपके लिए अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों ये है HDFC बैंक। इसी में नजर रखिए, कल के दिन पे एक ट्रेंड लाइन के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। और देखो अगर आप इसे समझो तो जैसे अभी बैंक निफ्टी के चार्ट में आपको बताया था, ये पॉइंट इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। चूंकि ये कहाँ है ना, माफ करना, ये सपोर्ट था, राइट, ये सपोर्ट था, अब ऊपर गया है तो रेजिस्टेंस हो जाएगा। चूंकि रेजिस्टेंस के आसपास ही जाके टाइम स्पेंड किया है, और बहुत मतलब ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में, तो इतने ही छोटे रेंज में ट्रेड नहीं करेगा, इतने ही छोटे रेंज में ट्रेड नहीं करेगा। अगर इतने ही छोटे रेंज में ट्रेड कर जाता है तो आपको नेक्स्ट डे ट्रेड मिल जाएगा बढ़िया। तो कल आप इसे नजर रखिए, जैसे 1618 के ऊपर निकलता है हम लोग इसमें ट्रेड डाल सकते हैं, एक ट्रेड मिल जाएगा अपने को, और 1612 के आसपास कैसे रखना पड़ेगा, और हमारा जो टारगेट बनना चाहिए वो यहाँ तक का बनना चाहिए, ठीक है। तो 1630 के आसपास का टारगेट मिनिमम बनना चाहिए, इसके बाद देख सकते हैं टारगेट 1640 की तरफ भी बन जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है, जो बैंकिंग स्टॉक है ना, जो PSU बैंक है या फिर आप एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, इनमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। कल कोटक बैंक में भी प्रॉफिट बुकिंग आया है। तो मुझे लग रहा है कि HDFC बैंक अपर साइड रह सकता है इंडेक्स मैनेजमेंट के लिए, ओके, मैनेज करते हैं लोग इंडेक्स को, तो HDFC बैंक ऊपर रख लेंगे, और दो बैंक अगर नीचे आ जाएगा तो पूरा बराबर हो जाएगा। तो ऐसा पैटर्न बनना चाहिए। तो मुझे लगता है जिनमें पोटेंशियल अपसाइड जाने के लिए उसमें बाइंग का ट्रेड रखना चाहिए, और जिसमें डाउनसाइड का ट्रेड है जैसे एक्सिस बैंक है, इसमें आपको शॉर्ट प्रीफर करना चाहिए, ओके। तो फ्रेंड्स ये हुए कल के लिए स्टॉक। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा, और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालो नोटिफिकेशन आप लोग को पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में ही तक, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।